हेलो फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये व्यू देखो, झकास ना, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। आपको पता है ये व्यू कहाँ का है? ये हमारी बालकनी का व्यू है। जी हाँ दोस्तों, ये बालकनी है मसूरी की। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं अपने मसूरी ट्रिप में। तो स्टार्ट। तो दोस्तों ये हमारा रूम है और हम रूम में एंट्री कर चुके हैं। रूम का इंटीरियर बहुत सुंदर। इसमें हमें टीवी ट्रॉली, छोटा मिनी फ्रिज और बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल वॉशरूम। साथ में हमें कैटल भी मिली थी गर्म पानी ठंडे की। उसमें कुछ कुछ किट भी थी जिसमें आप चाय वगैरह ले सकते हो। और ये देखो, ये है व्यू, ये है सबसे बढ़िया व्यू। ये दोस्तों हमारी बालकनी का व्यू है। सबसे ज़्यादा पैसे हमसे इसीलिए लिए गए क्योंकि ये बालकनी व्यू का रूम है। रूम थोड़ा सा छोटा था बट बालकनी व्यू देखने के बाद हमें ये छोटा भी अच्छा लगने लगा। और इसका विंडो तो बहुत ही सुंदर है। विंडो के साइड में आप टेबल चेयर लगी हुई है, एक टेबल है, दो चेयर लगी हुई हैं जिसमें आप अंदर रूम के अंदर से भी व्यू ले सकते हो। देखो ये मेरा स्नैक्स टाइम हो गया और मैं कुछ स्नैक्स खा रही हूँ अपना व्यू का मज़ा लेते हुए। पीछे मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर सीनरी बनी हुई है माउंटेन्स की। और ये जियाना, जियाना ड्राइंग कर रही है। जियाना को जब भी हम कहीं नई जगह लेके जाते हैं तो एक ड्राइंग बुक या टॉय दिला ही देते हैं ताकि वो भी बिजी रहे। तो दोस्तों ये है व्यू। हाय, जियाना क्या कर रही है? जाना फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो? बढ़िया, यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है। पूरी पहाड़ी के पीछे वाली भी पहाड़ी दिख रही है क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी ब्लर सी है ना, बहुत मस्त व्यू है। इतना अच्छा व्यू तो माल रोड के फोटो पॉइंट पे भी नहीं आता ना। बहुत मस्त व्यू, बहुत जंपिंग इससे ज्यादा बैठ में चलती है। सही कहा। तो दोस्तों व्यू के मज़े के लेने के बाद हम ये लॉन एरिया में आ गए थे। होटल का ये लॉन एरिया बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने आपको इस होटल का नाम नहीं बताया। इस होटल का नाम है पैराडाइज मेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये मसूरी माल रोड पे ही है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होटल। और मुझे मतलब इसका इतना अच्छा लगा सब कुछ। यहाँ पे गार्डन है, लॉन है और उसके बाद अच्छे अच्छा मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया रूम है, स्पेशियस रूम है नीचे वाले और ऊपर वाले बालकनी व्यू रूम है। मतलब जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी रूम आप पसंद हो आप ले सकते हो। सबका प्राइस अलग अलग है। मतलब बालकनी व्यू का अलग प्राइस है और जो हेरिटेज रूम है, बिग रूम है, उसका अलग प्राइस है। मतलब बढ़िया बढ़िया है दो। मुझे हर तरह के रूम दोनों ही बहुत अच्छे लगे बट मेरा प्रेफर था बालकनी व्यू, मस्त होना चाहिए, इसलिए हमने ये बालकनी वाला रूम लिया था। हेलो मिस रूपाली। हेलो, आई एम नॉट मिस, आई एम। हेलो मिसेस दीमन। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। झूले की लेनी देनी क्यों रखी है? अच्छा चलो ठीक है। मजे आ रहे हैं? मेरी बेटी देखो, वो देखो मेरी बेटी क्या कर रही है। मैं आ रहा हूँ ठीक है, हेल्प करने। आई एम कमिंग। दिस इज अ नाइस प्लेस। झूले हैं कुछ पुराने से? हाँ नहीं, पुराने ही हैं लेकिन मजा करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जगह है, अच्छा होटल है, होटल पैराडाइज। जाना आपको क्या चाहिए? कॉटन कैंडी एंड बबल्स। और क्या चाहिए? आइसक्रीम भी। और आप कहाँ पर हो अभी? अभी कहाँ पर आए हम? चिप्स भी दे देंगे। और अभी कहाँ पर आए हो आप? माउंटेन मसूरी आए हैं हम, पर मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी। ओके बाय कर दो, चलो बाय कर, चलो हम लेने चलते हैं, बाय कर दो। बोलो बाय गाइस, ठीक से बाय करो, बोलो बाय गाइस। दोस्तों मुझे इनका गार्डन बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। इसके बाद हम रूम में आ गए थे और जियाना कुछ अपनी ड्राइंग वगैरह बना रही थी, थोड़ा सा हम रिलैक्स कर रहे थे। और ये हमारा रिलैक्सिंग टूर था तो हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार हम मसूरी आ चुके हैं बट इस बार हम जियाना के साथ आए थे तो हम बहुत रिलैक्सिंग टूर पर आए थे। जियाना को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। शाम को हम निकल गए थे मार्केट और हमने यहाँ पे चिप्स, रोलिंग चिप्स खाए जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत मज़े किए।
और ये भुट्टा भी खाया हमने, जूसी भुट्टा उनका, वहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे मसूरी का भुट्टा, इतना जूसी होता है ना। यहाँ पर जियाना माल रोड पे पता नहीं उसको क्या हो गया था, बहुत मस्त सी हो गई थी और यहाँ पे जिंगल बेल करके डांस करने लगी थी। और ये व्यू है बहुत ही सुंदर, माल रोड का व्यू है। और ये दोस्तों रूम का व्यू है, ये मैंने वीडियो जो बनाया है ना रूम के अंदर का बनाया है, रूम के अंदर का। सारी रात हमें नींद कैसे आएगी, हम यही देखते रहेंगे गुड्डू, सितारे पीछे हुए हैं। कितना सुंदर, बेस्ट कमरे के अंदर, इतना सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर है। चलो भैया सोए क्या, रात हो गई है। नहीं अब हम सोएंगे जी आना, बहुत रात हो गई। नो मोर जंपिंग। पापा और बच्चा दोनों ओ वाओ दिखा पापा मस्ती कर रहे हैं, दिखा ना शोभी। ये जियाना का ड्राइव बहुत अच्छा है यार, बहुत ही सही रूम है यार, सही मतलब अब तक का सबसे बेस्ट रूम होटल। क्या मस्त व्यू है यार, सारी रात तो इसी के नजारे करते रहेंगे, कब सोएंगे हम। कुछ दिन हमने नज़ारे देखे, थोड़ी मस्ती की, उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें घूमने जाना था कंपनी बाग। तो हम कंपनी बाग आ गए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफी की, कुछ वीडियो बनाए जियाना के साथ। हाँ, नेस्ट है जियाना, ये नेस्ट है, हम यहाँ पर बोर्डिंग कर रहे थे, नेस्ट का है। देखो इसमें एग है, हाँ इसमें बर्ड है, हाँ इसमें बर्ड, हाँ बर्ड के एग हैं, बर्ड के बेबीज हैं। आफ्टर बोटिंग हमने कुछ आइसक्रीम वगैरह ली क्योंकि दिन बहुत गर्म हो रहे थे वहाँ के, और जियाना को वहाँ पे झूला मिल गया था तो जियाना कूद कूद के ट्रैम्पोलिन का हाल बुरा कर रखा था बहुत, कम से कम उसने आधा घंटा स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत मजा किया, पूरी तरह थक गई थी लड़की। बच्चों को तो बस यही सब अच्छा लगता है। ये जॉइंट झूला था दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया बट इसका वीडियो जरूर बनाया आप लोगों के लिए, बट ये भी बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट डे दोस्तों हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने आए थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, धूप में बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया और जियाना ब्रेकफास्ट करने के बाद खेलने लगी। उसको रात में हमने बबल्स वाला ये उसने ले लिया था, तो ये सुबह मॉर्निंग में अपना लेके आ गई और गार्डन में तो धूम मचा रखी है इसने, इवन बाकी बच्चों को भी अट्रैक्ट कर रखा है, बाकी बच्चे भी मांग रहे हैं हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। उनके मम्मी पापा परेशान है, अब वो भी लेके आएंगे क्योंकि बच्चा एक दूसरे को देख के ना एक दूसरे की चीज़ें ज़रूर मांगते हैं। जियाना ने पूरे मज़े कर रखे, पूरे बबल्स घुमा रखे, और बबल्स को उड़ाने के बाद बबल्स को पकड़ के भी लाती है और दिखाती है, देखो पापा। ये मैं जियाना के साथ उसके साथ खेल रही हूँ बबल्स। अब हमारा टूर ओवर हो रहा है तो हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लाफिंग बुद्धा नाम है इसका, ज्यादा खाना खा लिया है। फिश कितनी है इसमें, फिश और फिश देखो गोल्ड कॉइंस दे रही है उसको, 1 2 3 गोल्ड कॉइन, 1 2 2 फिश है। ये पैराडाइज मेंशन की कुछ क्लिप्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियो हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी जियाना को शूट करते, वीडियो शूट लिया था जिसमें मैंने, और ये बहुत प्यारी प्यारी गद्दियाँ लगा रखी है फोटोशूट के लिए। तो गाइस हम उतर रहे हैं मसूरी से अपने घर की तरफ, और आज हमारे साथ ड्राइवर हैं प्रदीप धीमान, टैन टैन सही है, रोड रोड वगैरह सब बढ़िया मस्त चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है मसूरी, बहुत बढ़िया। प्रदीप फर्स्ट टाइम मसूरी में ड्राइव कर रहे थे, उनको बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा रोड बना रखा है, मतलब इजीली आप ड्राइव कर सकते हो अपनी स्पीड अपने कंट्रोल पे ध्यान रखते हुए।
और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, मतलब खुद से गाड़ी लेके हम आए इतनी दूर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारा टूर ओवर हो रहा है और हम मसूरी की गलियों से सड़कों से निकल के नीचे उतर रहे हैं। और ये कुछ माउंटेन्स क्लिप्स हैं लास्ट के, तो दोस्तों अब हम नीचे उतर आए हैं या हम प्लेन रोड पे आ गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।